राजधानी भोपाल की कोलार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोलार पुलिस ने नकाबसन गिरोह के 4 सदस्यों का पर्दाफाश किया, जो पिछले कई सालों से भोपाल के कोलार एवं पिपलानी क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए का सामान बरामद किया है, जिसमें सोने चांदी के आभूषण के साथ साथ लैपटॉप और अन्य सामग्री भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी काफी समय से राजधानी में सक्रिय थे और यह मंडी द्वीप से आकर राजधानी में चोरी को अंजाम दिया करते थे। इसमें एक आरोपी के पूर्व में भी रिकॉर्ड पंजीबद्ध है और साथ ही 3 और आरोपियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोलार में काफी दिनों से जो चोरियां हो रही थी, उसमें पुलिस द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा लगातार प्रयास करके एक शातिर गिरोह को पकड़ा गया है। गिरोह जो है काफी लंबे समय से वारदातें कर रहा था और उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में इन्होंने आपराधिक मामले घटित किए हैं। वर्तमान में गिरोह के द्वारा अभी तक लगभग 10 जो है मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें 10 लाख से भी अधिक का मशरूका, जिसमें सोने चांदी के जेवरात, वाहन और अन्य सामग्री शामिल हैं। गिरोह के 4 सदस्य हैं। पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करके पूछताछ करने के पश्चात माल मशरूका प्रकरण में जब्त किया गया है। वर्तमान में गिरोह के अगर कोई अन्य सदस्य हैं या कहीं अन्य जिलों में इनके द्वारा कोई वारदात घटित की है तो उसके संबंध में भी पुलिस जानकारी प्राप्त करेगी। प्रखंड की विवेचना जारी। सर, आरोपी दो जगह पर निशाना दो जगह हाँ चूँकि हाँ वो रिकॉर्ड में सभी में इसको जो है गिरफ्तार किया गया है पूर्व के जो अपराध हैं, और चूँकि ये अन्य दूसरे जिले का रहवासी है तो सामान्यतः जिस जिले के रहवासी होंगे वहाँ पे लगातार क्रिमिनल्स की जो चेकिंग होती है उसमें भी इस तरह की वारदातों का खुलासा होता है, और अभी भी वर्तमान में भी 10 वारदातें हुई है, जिसका इजाफा उसके अभी के आपराधिक रिकॉर्ड में भी होगा। तो जो भी वारदातें हुई हैं पुलिस ने इसको पकड़ के उनमें खुलासा किया।